हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे अभी क्वेरीज आ रहा था कि सर, ट्वेल्थ के बाद अगर हम डेटा साइंस का पढ़ाई करें तो क्या फ्यूचर है इसमें, क्या हमें इसमें अच्छा खासा जॉब मिल सकता है या सैलरी कितना मिल सकता है। हालांकि देखिए, हम जब छोटे होते हैं, जब बचपन में स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तब मन में एक सपना होता है कि काश हम कब कॉलेज जाएं। देखिए, चिंताएं ठीक है, मनुष्य के जीवन में जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। जब स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई का टेंशन, ठीक है, जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं तो कॉलेज जाने का चाहत, कॉलेज कब जाएंगे, ठीक है। जब कॉलेज पहुंच जाते हैं तब पड़ जाती है नौकरी की टेंशन। जैसे हम ट्वेल्थ पास कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मन में कई ख्याल आते हैं करियर को लेकर के, कई असमंजस। और अब जानते ही हैं, हमारे इंडिया में गाइडेंस की बहुत कमी है, स्पेशली एजुकेशन गाइडेंस की, ठीक है, कि क्या पढ़ने से क्या होगा, कौन सी पढ़ाई करने से क्या होगा। और ट्वेल्थ क्लास जब हम करते हैं तो एक ऐसा एज है, क्या अच्छा और क्या बुरा हमको समझ में नहीं आता है। और अगर कोई आपको गाइडेंस भी देता है तो आप सोचते हैं कि रहन दे यार, देख लेंगे, ठीक है, अपना जिंदगी है, पापा के पास बहुत पैसा है, मम्मी पापा के पास बहुत पैसा, हम देख लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। कोई कहता है यार छोड़ यार, जान दे यार, जिंदगी जीने दे, ठीक है। और ऐसे करते करते दोस्तों 20 से 25 साल निकल जाता है, ठीक है। 27-28 साल में घर वाले प्रेशर करते हैं शादी का, जब शादी हो जाता है तब समझ में आता है जिंदगी का असलियत, ठीक है। लेकिन तब तक जब हम करियर के बारे में सोचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप माने ना माने, मुझे इतना सारा काउंसलिंग होता है और सारे काउंसलिंग दोस्तों मोर देन 35-40 ईयर्स के लोग जो है वो ज्यादा असमंजस हैं कि आप करें तो करें क्या। कई हैं जो 20-25 साल में आते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग जो है दोस्तों आपको 10th के बाद ही करना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी काउंसलर हैं करियर के, जो आप गाइडेंस देते हैं, उन सब जाके जरूर अप्रोच करें, ताकि आपको अपना करियर के लिए एक, तो कहीं ना कहीं आप अपना कल को सिक्योर करते हैं, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डेटा साइंस को लेकर के। डेटा साइंस अगर आप करते हैं तो फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, क्या सैलरी है, इन तमाम चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं। हालांकि मैं हर कोर्स का एक वीडियो लेके आता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अगर आप ट्वेल्थ में हैं, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स, किसी भी आप स्ट्रीम में हो दोस्तों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि और दूसरा स्टूडेंट्स को, दूसरा पेरेंट्स को ये फायदा हो सके, अपने बच्चों के बारे में कुछ नया आइडियाज मिल सके। शुरू करते हैं। डेटा साइंस अभी के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा करियर है इसमें। जैसे कि देखिए, आप मोबाइल यूज करते हैं, करते ही नहीं करते मोबाइल यूज करते, आप वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है। जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो आपका जो नाम, आपका जो भी पता वगैरह जो आप देते हैं, जब आप आधार कार्ड देते हैं, जब सिम लेते हैं, तब कुछ ना कुछ देते होंगे ना, उसी को बोलते हैं डेटा। मैं एकदम सिंपल सरल भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जैसे एक क्लास में मान लीजिए 10th क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे का नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनका मम्मी पापा का नाम जो भी है, उसको कहते हैं डेटा, ठीक है। उस डेटा को बहुत तरीके से यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखे होंगे, अचानक आपको एक कॉल आता होगा कहीं से भी, कोई भी कंपनी से कॉल आता होगा, क्या आपने इंश्योरेंस खरीदा है, नहीं, क्या इंश्योरेंस लेंगे, नहीं, ठीक है। कल और कुछ आएगा कि भाई आपके नाम में बहुत बड़ा गिफ्ट निकला हुआ है, क्या आप गिफ्ट लेना चाहेंगे, तो इस तरह के कई कॉल्स आते होंगे। कॉल्स कहां से आते हैं वो भी पता है, वो सारे नंबर्स दोस्तों, आपका जो डेटा है वो उनके पास रहता है, उस डेटा को एक थर्ड कंपनी खरीदती है, ठीक है, और उस डेटा को लेकर के वो अपना बिजनेस चलाते हैं, समझ गए अभी आप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेटा, और इसको कैसे मैनेज करना है उसको बोलते हैं साइंस, डेटा साइंस। इसको कई डिफरेंट लहजे में इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप एक कोई कंपनी में जा रहे हैं, कोई एमएनसी कंपनी में है, बहुत बड़ा कंपनी है, उस कंपनी में डेटा चाहिए उनको, ठीक है। चाहे आप कोई कॉलेज में चले गए, कॉलेज में डेटा चाहिए। तो जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जब आप डेटा साइंस का कोर्स करते हैं दोस्तों,
ये मैं आपको छोटा सिर बता रहा हूँ, इसका एक बड़ा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि रियल में काम कैसा होता है इसका, सिर्फ आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं। तो डाटा साइंस का जो काम है वो ना सिर्फ एक छोटा इंडस्ट्री, छोटा कंपनी, बल्कि बड़े बड़े कंपनी में इसको बहुत जरूरत पड़ता है, और आज के डेट में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। सैलरी लगभग इसका सैलरी स्टार्ट होता है दोस्तों 60,000 से 70,000 रुपए इंडिया में, और डेटा साइंस का जो डिमांड है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है दोस्तों। अगर आपको नंबर्स अच्छा आता है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स अच्छा करते हैं, तो आपको डाटा साइंस का कोर्स लेना चाहिए, और बहुत ही बेहतर करियर है इसमें दोस्तों। आशा करता हूं शायद थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया होगा आज के इस वीडियो से। लेकिन अगर आप एक 12th स्टूडेंट हैं, 12th क्लास पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं और डेटा साइंस का कोर्स करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि डेटा साइंस का कोर्स कितना में होता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं इंडिया में, आपको उसके लिए क्या एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, क्या क्राइटेरिया है, तमाम चीजों को मैं इन डिटेल्स में एक ही वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।